लेकिन जब मैंने चेकआउट किया ना, पता कितने मिले, देखो 647 और टाइम देखो 2 घंटा 13 मिनट। इतना पैसा कंपनी ने ऐप से ले लिया है कि ड्राइवर जो है ना वो अपनी लोकेशन तक पहुंच जाए वापस। लेकिन यार पैसे बहुत कम मिले यार एमरजेंसी ड्राइव सारा तो कंपनी ने रख लिया, फिर हमें क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं यार हमें। तो तुम्हें लग रहा होगा यार कि मैं यार ज़्यादा राइड क्यों नहीं ले रहा, क्या रीज़न है ज़्यादा राइड नहीं लेने का। भाई एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है 29वें व्लॉग के साथ। आज डे है 29 और आज हम क्या लेके आने वाले हैं भैया, एक और ख़ास वीडियो। ठीक है, हमारा दिन नज़दीक आ रहा है, 30 डेज हमारे पूरे होने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सभी व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज की इस सुबह प्यारी सुबह से शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो पता है आपको क्या करना है। तो चलिए इस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइमिंग की बात बता दूँ, अभी इस समय तो सुबह के बज रहे हैं करेक्ट 9:24 और भैया आज हमने एक और बुकिंग ले ली है। आज की जो बुकिंग होने वाली है वो होने वाली है अर्न एज यू ड्राइव, मतलब जितने देर कस्टमर को काम है उतने देर तक हमें काम करना है। और यार गली में ये देखो दाल वाला रखा है तो मैं एंकर ही हल्ला उल्ला कर रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और भैया अभी मतलब जो हमें जाना है वो जाना है कितने बजे, 10 बजे। रुको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखो दोस्तों 10 बजे की टाइमिंग है और टाइम कितना हो गया, 9:24 हो गया। तो भाई फटाफट से क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना, निकलना है। और यहाँ से तकरीबन ये लोकेशन मेरे घर से कितनी दूर है, सेक्टर 25 गुड़गांव। अगर मैं डायरेक्शन में भी यहाँ पर क्लिक, डायरेक्शन में क्लिक नहीं करूँगा, देखो दिखाऊँगा आपको सीधा लाइव बिल्कुल। यार ये थोड़ा फ़ोन ना मेरा स्लो चलता है यार, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं अब। तो देखो कितना दूर है, 23 मिनट का रास्ता है, 5.9 किलोमीटर यानी कि दोस्तों, सॉरी यानी कि दोस्तों लगभग 6 किलोमीटर है बिल्कुल। लेकिन मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है लोकेशन कहाँ पर है एग्जैक्टली। ठीक है, और भाई सुबह सुबह हो रही है, अभी 9:30, देखो गर्मी लग रही है सुबह सुबह भी, भाई पसीने निकल रखे हैं। ये देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि कल भाई पानी की लड़ाई चल रही है और अभी भी लड़ाई चल रही है। और भाई देखो धूप कितनी तेज आ गई है, सुबह सुबह धूप आ रही है इतनी तगड़ी वाली भाई साहब। हाँ गर्मी क्या कह सकते हैं यार। भाई मैंने अभी फ्रीजर में पानी रखा है एकदम चिल्ड बर्फ़ वाला, तो वो लेके चलेंगे, देखना उसका भी वही हाल होने वाला है। तो चलो कोई नहीं, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और दोस्तों निकलते हैं अपने काम पे। और दिखाता हूँ आपको गाड़ी कौन सी है। और हाँ आपको मैं बताना भूल गया, आज हमें जो गाड़ी मिली है वो है मैनुअल। यार मैनुअल कभी कभार ठीक लगती है, कभी कभार बेकार लगती है यार, कभी ऑटोमेटिक बेकार लगती है। तो चलो कोई नहीं, देखते कौन सी गाड़ी, सीधा आपको मिलता हूँ सीधा वहाँ पहुँच के। भैया यार तुम्हारा भाई करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पे लोकेशन पर पहुंच चुका है। अभी इस समय ना 10:06 हो रहे हैं। और देखो मैंने बताऊँ क्या एक ट्रिक अपनाई है मैंने ना, जो टी शर्ट दिया ना इसको यार दिया, मतलब एक टी शर्ट पहन के मैंने फ़ोटो खींच ली। अब बाकी मुझे ना चारों गाड़ियों की फ़ोटो खींचनी है, मतलब चारों साइड से फ़ोटो खींचनी है। तो यार ये क्या है कि तुम लोगों को तो पता ही है कि भाई ये टी शर्ट ना थोड़ी सी चुपती है ना, तो इसलिए ना मैंने इसको उतार के साइड में रख दिया है। तो जो अपनी जो गाड़ी खड़ी ना वो एग्जैक्टली देखो वो खड़ी वहाँ पर, ये I-20। तो इसकी ना मुझे लेनी है चारों तरफ से फ़ोटोज़। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, जितने भी ऑप्शन दिखा रहे हैं उन सबको इस तरीके से फ़ोटो ले लो साइड बाय साइड से। देखो मैंने ना जैसे कि एक फ़ोटोज़ ना यहाँ पर ले लिए, देख रहे हो आप, तो इस तरीके से सारी फ़ोटो ले लूँगा। तो यार मेरा बैग वैग सब खोल रखा था यहाँ पे, तो इसको छोड़ के मैं आ गया था। तो यार पहले इसको पैक कर लेता हूँ और हमें कहाँ पर जाना है वो सारी डिटेल मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों तुम्हारा भाई यार आज पहली बार इस लिफ्ट के अंदर जाएगा, तो सामने लग रखी है ना यहाँ पे, देखो ये वाली, इसके अंदर बस आपको गाड़ी छोड़ देनी है और उसके बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। और ये गाड़ी खुद नीचे जाके इसको ये जो मशीन है ना इसको ना ये स्टोर कर लेगी नीचे। तो मतलब ये एक अच्छा सिस्टम है। ये देखो सामने से खोल रहा है ना, ये देखो अभी अंकल अपनी गाड़ी लेने के ला रखे हैं, तो ये अपनी गाड़ी लेके भाग जाएंगे। इसके बाद जब ये चल जाएंगे फिर मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा वहाँ पे, और उसके बाद चाबी अपने वहाँ रख लूँगा और ये लिफ्ट नीचे चल जाएगी। बड़ा सिस्टम है ना वाला, ठीक है, बस गाड़ी नंबर बताना है और खुल जाएगा। हाँ इसका भी दे दीजिए, क्या लेना है, 4C। अच्छा ठीक है, कर दो बंद। देख रहे हो भाई, सही है, बढ़िया भाई, पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा ये नीचे जाके मतलब बंद रहेगी बस, चली गई, वो देखो जा रही है। तो यार ये सिस्टम बढ़िया है, एंकर पहली बार देख रहा हूँ मैं यार सिस्टम, देख रहे हो इस तरह का प्लेटफॉर्म बन रखा है। तो चलो यार चलते हैं हम लोग ऊपर। इस समय मैं हूँ अभी समय हाई कोर्ट दिल्ली के, देखो जज पर सॉरी जज कह रहा हूँ, जो लॉयर होते हैं वो घूम रहे हैं। वो देखो वो लिखा वहाँ पे दिल्ली का हाई कोर्ट। तो यहाँ से हमें लेफ्ट जाना बाहर निकलने के लिए। तो गाइस तुम्हारा भाई पहली बार आ रखा है हाई कोर्ट, दिल्ली के सबसे बड़े हाई कोर्ट। देखो घूमने के क्या मतलब कस्टमर को लेके आ रखा था। सही में यार मैंने यहाँ पर घूमता, लेकिन ना क्या दिक्कत है कि यहाँ पर ना धूप बहुत तेज हो रही है। कैंटीन है यहाँ पे, कैंटीन कहाँ पर है? 4 नंबर 7। चलो यार कैंटीन के लिए पूछा था, मेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है लेकिन पूछ लिया मैंने। और भाई यहाँ पर बैठा हूँ छाए में अभी समय। देखो ये अपना बैग है, गाड़ी का ही मेरे पास ही है, गाड़ी हमने नीचे यहाँ पर जमा करा दी थी आपको पता ही है। और भाई घर से ला रखा हूँ मैं एकदम चिल्ड पानी, जैसे कहते हैं ना चिल्ड एकदम। और समय की बात बताऊँ तुम्हें तो अभी इसमें बताओ कितने हो रहे टाइम, कितना बजे है? 11:35 हो रहे हैं भाई। ओए होए जैसे ही गाड़ी से बाहर आए देखो तर पत्तर गर्मी हो रही है। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि मतलब यहाँ पर इन्होंने ये गार्डन टाइप का बना रखा है और पानी जगह बिल्कुल चिल्ड, पानी चिल्ड लाया था एकदम हल्का हल्का गर्म हो रहा है लेकिन है बेबी चिल्ड पूरा, क्योंकि बर्फ़ थी ना इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देखते अब कब तक आते हैं। 11:30 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ, वो भी खुल भी नहीं रही है। 11:30 बजे आया हूँ, अब वो देखते कितने बजे आएंगे। वैसे उन्होंने बोला टाइम लगेगा। हाँ बस थोड़ी देर धूप में क्या आ जाओ, भयंकर पसीने पसीने हो जाते हैं पूरे। देखो कितना बुरा हाल है। चलो यार थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। इतने में थोड़ी वीडियो डिलीट कर लेता हूँ फ़ोन के अंदर ही। तो गाइस यार अभी इस समय बज रहे हैं 12:30 दोपहर के। और भाई धूप देखो यार कितनी तेज़ ज़बरदस्त धूप हो रही है यार, बहुत ही तेज़ धूप। और तुम्हारे भाई ने बताऊँ क्या किया अभी? मैंने क्या किया मतलब कस्टमर ने कर दिया भाई चेकआउट। कह रहे कि मुझे यार यहाँ पर ना हाई कोर्ट में टाइम लग जाएगा। देखो ये है बगल में हाई कोर्ट, तो यहाँ पर उनको टाइम लग जाएगा। तो भैया आप एक काम करो, आपने इसको वो कर दो, मतलब एंड कर दो इस ट्रिप को। तो बताओ मुझे क्या लगा, अगर मैं इस ट्रिप को एंड कर दूंगा ना तो मुझे बताऊँ कितनी अर्निंग होएगी। ऐसे मतलब 2 घंटे हुए थे, 2 घंटे 13 मिनट, तो इसकी अर्निंग मुझे होएगी 200 रुपये। और मेरे को कितना मिलेगा पता नहीं, तो मुझे ये लगा था। और भाई यहाँ पर भीड़ देख रहा हो, इतनी तगड़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगा कि यार मुझे इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन जब मैंने चेकआउट किया ना पता कितने मिले? देखो 6:47 और टाइम देखो 2 घंटा 13 मिनट। तो इतने कस्टमर से चार्ज करने हैं मुझे। अब इसमें से कटपिट के साइज से मुझे मिलेंगे 500 या 400 कुछ मिलेंगे। तो तुम इसका मतलब समझ लो क्या है, ये जो ट्रिप है ना मेरी, ये अर्न एज यू ड्राइव की ट्रिप थी। लेकिन इसके अंदर क्या सिस्टम हो गया था कि भाई जो अगर ये लोग अर्न एज यू ड्राइव में कि जहाँ से आपने इनको पिक किया वहीं पर इनको ड्रॉप करना पड़ता है। तो अगर आप जो ड्राइवर को वहीं पर ड्रॉप नहीं करवाते हो और अपनी किसी लोकेशन में एंड करवाते हो तो जाने का भी कंपनी पैसा ले लेती है इससे। यानी कि अब मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पर गुड़गांव में और अभी मैं इस समय हाई कोर्ट में आ रखा हूँ। तो ये अर्न एज यू ड्राइव था, मुझे तो वापस वहाँ जाना था लेकिन इनको यहाँ टाइम लग जाएगा तो इन्होंने एंड करवा दिया। तो इतना पैसा कंपनी ने ऐप से ले लिया है कि ड्राइवर जो है ना वो अपनी लोकेशन तक पहुँच जाए वापस और वहाँ से अपनी जो भी व्हीकल वगैरह लेके आ रखा है वो ले सके। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस ऐप के अंदर। तो देखो मैं अपना इसमें ना कलेक्टेड फेयर कर दूंगा यहाँ पर कि मैंने ले लिया है, और जितना मैंने लिया है उतना ही डाल देंगे इसमें। 6:47 कन्फर्म। अब देखते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी होती है। लाइव दिखा रहा हूँ यार तुम्हें, ये देखो 355। सोचो यार कितना ज़्यादा चार्ज काटा है भाई, कहाँ 600 कहाँ 355। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अपने जाके उसको दिखा दूँ ना हिस्ट्री, ये देखो हिस्ट्री में, ये देखो 6:47 और 3:55। ओए मतलब 300 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए कस्टमर से। भैया ये तो बहुत ज़्यादा है। 6:47 एक मिनट रुकना है यार थोड़ा, दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। 6:47 माइनस 355, देख रहे हो 292 रुपीज़ कस्टमर से लिए इन्होंने भाई साहब एक्स्ट्रा कंपनी वालों ने। और हमें कितने दिए? 355। यानी कि 2 घंटे के हमें 350 रुपये मिले हैं। अब इसी 350 रुपये से मुझे जाना है वापस वहाँ। यार कम से कम 450 रुपये भी देते ना तो मेरे लिए थोड़ा बढ़िया हो जाता। अब भाई कस्टमर मुझे एक्स्ट्रा क्यों देगा। मैंने वैसे कस्टमर एक्स्ट्रा नहीं बोला, मुझे लगा कि भाई 647 है तो कंपनी कम से कम 400 साढ़े 400 देगी यार, ये तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। 350 रुपये दिए यार, चलो कोई नहीं, जो भी है। यहाँ से मेरे घर तक का जो रास्ता है वो मेट्रो से कवर कर लूँगा, 40-30 रुपये में मेट्रो से घर पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ से घर क्या मतलब वहाँ पर सिकंदरपुर पहुँच जाऊँगा, वहीं पर मेरी बाइक खड़ी है। ठीक है दोस्तों, यार क्या करें, अब देखते हैं दूसरी बुकिंग, देखते हैं कोई दूसरी बुकिंग मुझे मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे ही मिलती है तो वो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। लेकिन यार पैसे बहुत कम मिले यार, एनर्जी ड्राइव सारा तो कंपनी ने रख लिया, फिर हमें क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं यार। हमें तो कम से कम 450 तो मिलने चाहिए था ना यार। इस चीज़ का मुझे रिग्रेट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। चलो कोई नहीं यार, नेक्स्ट राइड देखते हैं। टाइमिंग की बात बताऊँ उस समय तो भाई करेक्ट 2 बज रहे हैं दोपहर के, और तुम्हारा भाई आ चुका है। देखो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, तो वही मेट्रो से आने में कितना टाइम लग गया यार। काश अगर वो मेरे साथ वापस आ रहा होता ना तो यार मेरे ना वो चीज़ बेटर रहती, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। वो यहाँ से आया है तो हमें जो हमें ऐप ने जो दिए है ना पैसे, पता कितने दिए है अपने पैसे, 150 रुपये दिए हमें ऐप ने। और तुम्हारे भाई ने मतलब अभी एक बर्गर ऑर्डर किया है यहाँ से, नई खुली है ना यहाँ पर, इसलिए तो चलो कोई नहीं, लेते हैं। हो गया, चीज़ सब ऐड कर दिया ना, कंफर्म कर रहा था सर। अच्छा थैंक यू भैया। तो भाई ले लिया अपना ऑर्डर हमने यहाँ से, और अब निकलते सीधा वहाँ पहुँचते हैं। यार मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कसम से गर्मी में यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। देखो भाई यार कितनी तगड़ी धूप हो रही है यार, मतलब मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी निकलने का, लेकिन क्या करें यार, हमारी ना मजबूरी है यार। मेरी बाइक ना वहाँ पर है तो यार बाइक को लेने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं भाई। 155 रुपीज़ दिए सिर्फ एक्स्ट्रा, बहुत ही नाइंसाफ़ी। वो यार हर जगह ना बैटरी के ना वो ऑप्शन आ चुके हैं यार, अब पता तुम्हें बैटरी का ऑप्शन, यानी कि ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह चार्ज आप कर सकते हो अपनी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो। मेरे पास तो नहीं है। देखो सूरज देवता बिल्कुल सर के ऊपर चढ़े हुए हैं एकदम बिल्कुल। चलो कोई नहीं यार, अपना यार बर्गर फिनिश करते हैं, भूख से लग रही थी इसलिए ले लिया। तो आपने देखा भाई कितना चल के आना पड़ा भाई मुझे यहाँ तक, फाइनली अपनी बाइक के यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो यार तुम्हें लग रहा होगा यार कि मैं यार ज़्यादा राइड क्यों नहीं ले रहा, क्या रीज़न है ज़्यादा राइड नहीं लेने का। भाई तुम लोग अगर ये वीडियो कहीं और देख रहे हो, मुंबई, उड़ीसा, बेंगलोर, पता नहीं कहाँ से देख रहे होगे, लेकिन मैं अभी इस समय दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में हूँ भाई। इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है ना, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है कि भाई मन नहीं कर रहा कोई और राइड करने का। ये देखो, ये रही अपनी बाइक बुलेट के बगल में, देखो अपने हवाई लाए थे, किसी ने बुलेट भी लगा दी यहाँ पे। तो भाई देखो जहाँ से उठाई थी वहाँ से उठाई थी मैंने i20, वहाँ सामने से, और तुम्हारा भाई यही पहुँच चुका है। हाँ, बड़ी मुश्किल से जो बर्गर लिया था यार वो बहुत टेस्टी हो रहा था यार, तो उससे थोड़ी एनर्जी मिल गई यहाँ तक आने की, वरना तो यहाँ तक आ भी नहीं पाता। मजाक कर रहा हूँ, आ जाता यार। तो यार इस वीडियो को ना यार यहीं पर क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस राइड में तो बुकिंग अर्निंग बहुत कम हुई है, लेकिन जो हालत ख़राब हुई है ना, मेन चीज़ है कि भाई अपनी सेफ्टी, हेल्थ होगी तभी तो वेल्थ होगी ना। तो तुम सोच सकते हो भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी गर्मी हो रही है। तो यार इस वीडियो को ना यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब तो फ़ोन भी साथ नहीं दे रहा है, पता कितना गर्म हो चुका फ़ोन कि हाले बात करते करते वीडियो ही चलनी बंद हो गई। देखो चलती रही है, हाँ चल रही है भाई, तुम देख सकते हो यार गर्मी। तो चलो यार इस वीडियो को यही क्लोज़ करते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे कल लास्ट डे के चैलेंज ब्लॉग में। कल है 30 मई और 30वां ब्लॉग हमारा, तो देखते हैं क्या अपडेट रहता है क्या नहीं रहता कल का, तो कल बात करता हूँ फिर आपसे, ठीक है। हो अभी तक आप एक बार ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय।